हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं बहुत ही जल्दी और कम सामान से बनने वाला गाजर का हलवा की रेसिपी। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने लिए हैं 1 किलो गाजर। अब इनको छील करके और ग्रेट कर लेंगे। इससे छील के बनाने से एकदम हलवा जो है ना चिकना बनता है। गाजर को इस तरह से हमने सबको ऊपर का छिलका साफ कर लिए हैं। आप एक ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से गाजर को घीस लेना है। अब आगे हम गाजर का हलवा बनाएंगे। ये 1 किलो गाजर है, 25 ग्राम काजू, 25 ग्राम बादाम और ये 5-6 इलायची, 150 ग्राम चीनी और ये 2 बड़े चम्मच शुद्ध घी और ये 1/2 लीटर दूध। घर के कम से कम सामान में हम आपको बना के दिखाएंगे ये गाजर का हलवा। सबसे पहले घी लगाएंगे। और इसके साथ ही ये गाजर डालेंगे। गाजर को थोड़ा घी में भून लेंगे। इसी तरह चलाते हुए और इसको थोड़ा ढक करके भून लेंगे। इस तरह से बीच बीच में थोड़ा चलाते रहेंगे। और ये भुना चुका है, अब इसमें दूध डालेंगे। और ये हमारा घर का दूध है, भैंस का दूध है। लगभग 1/2 लीटर दूध है ये। अब इसको अच्छी तरह से मिला करके और 1 सीटी लगा देते हैं और ये 1/2 घंटे में हमारा हलवा बनके तैयार हो जाता है।
और इसको 10 मिनट और पका लेंगे कि ये दूध जो है थोड़ा सूख जाए और ये गाढ़ा हो जाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मिल्क मेड भी डाल सकते हैं, इससे थोड़ा हमारा हलवा का जो स्वाद है और बढ़िया आएगा। साथ ही इसमें चीनी भी डाल देंगे तो चीनी भी गल जाएगा। इसमें डालेंगे ये थोड़ा इलायची पाउडर, और ये हमारा हलवा बन करके तैयार हो चुका है। इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट, और हलवा हमारा बन करके तैयार हो चुका है। और देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है, बिल्कुल आधे घंटा में हमारा हलवा बन करके तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।